हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको बताया कि आप सबके समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। कई बच्चों की वेकेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी और कई बच्चों की एट दी एंड ऑफ मई स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये परेशान है कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम है, तो हम अपने समर वेकेशन में अपने पूरे होल डे को कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम अपना प्रॉपर स्टडी कर सके और एक्स्ट्रा स्किल एक्टिविटी को सीख सके। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबके लिए एक टाइम टेबल तैयार किया है। ये टाइम टेबल आप अपने समर वेकेशन में फॉलो करोगे जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और साथ के साथ आप अपने एक्स्ट्रा स्किल को भी सीख लोगे। अब ये क्या टाइम टेबल है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप अपने वेकेशन में फॉलो करोगे। और इस बुक में आपको एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपका ओसवाल्ड पब्लिशर का लास्ट 10 इयर्स सोल्ड पेपर है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो एज पर बोर्ड सिलेबस 23 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया है। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लास्ट 10 इयर्स मतलब 2014 से लेकर 2024 तक के सारे बोर्ड पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, और सारे सेट्स इस बुक में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने वोकेशन में अपना सिलेबस तो कंप्लीट करें, बस साथ के साथ अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी खत्म करें जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक बेस्ट प्राइस में जो आपको बुक मिलने वाली है जो आपके बजट के अंदर हो, तो इस करके ये बेस्ट बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक को आप डिस्क्रिप्शन से उठाकर इस बुक को परचेज करें और अपने अकेडमिक सेशन में वोकेशन में सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए इस बुक को भी कंप्लीट करें। टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका मॉर्निंग सेक्शन है, एक आपका आफ्टरनून और एक आपका इवनिंग नाइट। और यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर एक स्लीप टाइम भी निकाला है 7 से 8 घंटे का, जिससे आपको प्रॉपर नींद भी आएगी और आपका पूरा बेड रेस्ट भी हो जाएगा। तो हम मॉर्निंग शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने सुबह 7 बजे उठ जाना है। 7 बजे हमने इसलिए रखा है बिकॉज जितना जल्दी आप उठोगे उतना ही आपका क्या होगा, पूरा दिन आपको मिलेगा। आपने ये नहीं सोचना कि सर हमारी तो छुट्टियां चल रही है, हम तो 11 बजे उठेंगे। जितनी लेट उठोगे उतना ही दिन आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी उठें, सोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सोने से ही सब कुछ मिल रहा होता तो हम भी सारे सो ही रहे होते, तो हम इतनी जल्दी क्यों उठे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उठो और अपने पूरे दिन को अच्छी तरह यूटिलाइज करो। तो यहाँ पर हमने 7 बजे का वेकअप रखा है, देन 1 घंटे का आपका फ्रेश हो गया, देन उसके बाद वर्कआउट कर ली, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली आपने, देन उसके बाद आपका 8 से 9 हमने 1 घंटे का ब्रेकफास्ट रखा है। और ब्रेकफास्ट आपने हेल्दी खाना है बिकॉज मॉर्निंग में हम अगर हेल्दी खाना खाएंगे तभी तो हमें न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलेंगे और हमारे अंदर एनर्जी आएगी और वही एनर्जी हमारी पूरे दिन चलेगी। बिकॉज अगर आप मॉर्निंग में अगर कम खाना खाओगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, वीक रहेगी और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप लेजी फील करोगे। तो इसलिए मॉर्निंग में आपने हेल्दी खाना खाना है। देन जैसे ही आपके 9 बजेंगे तो आपका स्टडी रूटीन 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 घंटे का इंटरवल निकाला है। अब आपको पता है कि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन क्या होता है, सुपर एक्टिव मोड होता है। तो सुपर एक्टिव मोड में हमारा ब्रेन काफी फास्ट चलता है। तो यहाँ पर आपने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, लाइक आपका मैथ हो गया, आपका साइंस हो गया, या फिर आपका एसएससी में आपका सोचने का नहीं है, वहां पर लर्निंग का है। तो आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आइदर मैथ और साइंस, या फिर 1-1 घंटे का आप इंटरवल दोनों में डिवाइड कर सकते हो। 1 घंटा आपने साइंस पढ़ लिया और 1 घंटा आपने मैथ पढ़ लिया। साइंस में आप फिजिकल के न्यूमेरिकल कर सकते हो, केमिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। अगर आपको ये कंसेप्ट खुद नहीं आ रहा समझ, तो आप वॉच कर सकते हो यूट्यूब पर वीडियो और अपने कंसेप्ट और लर्निंग को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक को उठाओगे तो आपको डीमोटिवेशन हो जाएगी बिकॉज आप सोचोगे यार इतना मोटा भारी लिखा हुआ इसके अंदर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप वीडियोस को वॉच कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। देन आप अपनी टेक्स्ट बुक को उठाना जिससे आपको टॉपिक ऑलरेडी पता चल जाएंगे और आपको वो इजिली लगेंगे। डायरेक्ट अगर आप कोई भी बुक उठाते हैं तो आपको क्या लगेंगे, टफ लगेंगे। तो इसलिए आपने मॉर्निंग में क्या करना है, साइंस और मैथ्स में से कोई एक एक सब्जेक्ट उठा लेना है और उसको 2 घंटे पूरा पढ़ लेना है। जैसे ही 9 से 11 होंगे तो 11 से 1 का मैंने 2 घंटे का आपका ब्रेक रखा है। ब्रेक टाइम में आप खाना खा सकते हो, अपना टीवी वगैरह देख सकते हो, कोई गेम वगैरह अगर पसंद है तो वो खेल सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड के घर जाना है, या फिर उसके साथ बाहर जाना है, या फैमिली के साथ कोई प्लान बन रहा है 2 घंटे का तो वहां पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आपका 2 घंटे का हमने गैप निकाल दिया है। देन आप बात करते हैं आफ्टरनून की। जैसे ही 1 बजेंगे तो 1 से 3 2 घंटे का हमने यहाँ पर रूटीन स्टार्ट कर दिया स्टडी नंबर 2। तो यहाँ पर आपने कौन से चैप्टर उठाने हैं, तो रीडिंग बुक्स वाले, रीडिंग बुक्स होगी, स्टोरी होगी, अगर आपको स्टोरी वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है। बिकॉज अब आफ्टरनून में आप बाहर तो जाओगे नहीं, बिकॉज 1 से 3 में क्या होगा, काफी बार धूप होगी तो इसलिए आप बाहर तो जा नहीं सकते। तो मतलब घर पे बैठ के क्या करोगे, सोगे थोड़ी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रीड कर लोगे बुक्स। आइदर आप इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप अपना हिंदी का कंसेप्ट कर सकते हो क्लियर, या फिर आप एसएसटी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री में आप हिस्ट्री वगैरह कर सकते हो एसएसटी में। तो यहाँ पर आपका रीड बुक्स होगी, स्टोरी होगी, वॉच इंग्लिश एसएसटी वीडियोस, आप यूट्यूब पर बेस्ट लेक्चर देख सकते हो इंग्लिश के और एसएसटी के।
तो यहाँ पर आप अपने कंसेप्ट को क्या करोगे, क्लियर करोगे। देन उसके बाद तीन से पांच का मैंने यहाँ पर आपके लिए आपका अपना टाइम दिया, आपको सेल्फ टाइम, मतलब ये टाइम आपका है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर आप आपका ब्रेक टाइम है, यहाँ पर आप अपने स्नैक्स खा सकते हो, टीवी देख सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, या फिर आपके अगर ट्यूशन है तो इस टाइम में आप अपना ट्यूशन जाइए, या फिर आप कुछ भी करिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने दोस्तों के साथ खेलिए, प्ले स्टेशन में गेम खेलिए, पबजी खेलिए, जो मर्जी करिए, ये 2 घंटे का इंटरवल आपका है, यहाँ पर आप कुछ भी करो। देन 5 से 7 आपका स्किल टाइम है। स्किल टाइम मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ कोई एक अदर एक्टिविटी को सीखो, लाइक कई बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है इस करके वो कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, और कई बच्चों को बैडमिंटन, कई बच्चों को चेस वगैरह, कई कंप्यूटर को ज्वाइन कर लेते हैं, कई एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं जिससे वो अपने स्किल को इन्हांस करते हैं, या फिर कई बच्चे मार्केटिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जिससे वो मनी बनाते हैं। तो आप ऐसी आप एक स्किल एक्टिविटी को अपना इनहांस करें, क्योंकि आपको पता है कि एट दी एंड हमें मनी कमानी है, तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एक अदर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्वमेंट हो जिससे आपकी स्किल क्या हो सके, इनहांस हो सके, आपका माइंड और शार्प हो सके। तो इसलिए यहाँ पर आपका 5 to 7 हमने स्किल टाइम रखा है। देन आज इवनिंग पे 7 से 8 आपका ब्रेक टाइम है, बिकॉज आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने 3 to 5 भी हमने सेल्फ टाइम रखा, यहाँ पर आपका ब्रेक टाइम, बिकॉज 5 to 7 2 घंटे आप स्किल टाइम करे तो वहां से कहीं से भी आओगे तो थक के आओगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 घंटे का ब्रेक रख दिया। जैसे ही ब्रेक खत्म होगा 8 बजे, 8 से 9 आपने यहाँ पर अपना 1 घंटे का स्टडी रूटीन है, यहाँ पर आपने क्या करना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। मॉर्निंग में अगर आपका मैथ्स स्किप हो गया तो आप शाम को करोगे अपना मैथ्स, और यहाँ पर आपने पूरे लगन से मैथ्स करना है। अगर आप मॉर्निंग में वीडियो देखकर मैथ्स कर रहे हो तो यहाँ पर आप विदाउट वीडियो अपना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, हार्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे जिससे आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो मैथ्स। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मोस्ट वेलकम, हमारे चैनल पर क्लास 10 के आदि शर्मा और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपलोडेड है, आप वहां से हेल्प ले सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। तो देन उसके बाद 9 to 10 आपका डिनर टाइम है, डिनर टाइम अपने फैमिली के साथ, बिकॉज पूरे दिन में आप अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए, उनसे बातें कीजिए और आराम से पूरे दिन का उनको प्रोसेस बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। देन 10 से 11 आपका स्क्रॉल टाइम है, स्क्रॉल टाइम मतलब आपके अकाउंट होंगे, कई बच्चे इंस्टा चलाते हैं, कोई स्नैपचैट वगैरह, तो वहां पर अपना स्क्रॉल डाउन एक्टिविटी वगैरह देखिए कि आप क्या हो रहा है। अगर आपको अकाउंट्स वगैरह नहीं देखने तो आप अपना क्या कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, या फिर अपना कुछ सोच सकते हो यार मैं अगले दिन क्या करने वाला हूं, उसके बारे में पहले से प्री प्लान कर सकते हो। देन उसके बाद 11 बजे जैसे आप बज जाएंगे तो आप सीधा सो जाओगे, क्योंकि 11 से 7 अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 8 आवर्स की क्या मिल रही है, स्लीप मिल रही है, जो आपके लिए सफिशियंट है। तो 11 बजे आपने सो जाना है, ये आपका एक वेरिएबल टाइम टेबल है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस ड्यूरेशन में नहीं पढ़ना आप उसको आगे कर सकते हो, उस ड्यूरेशन में आपको कुछ और एक्टिविटी करनी है आप वो कर सकते हो, बिकॉज कई बच्चों का क्लैश होगा यहाँ पर ट्यूशन टाइमिंग, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका एक बेस्ट टाइम टेबल जो आप अपने समर वेकेशन में यूज करोगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्किल को भी सीखोगे, जिससे आपका माइंड और शार्प हो जाएगा और आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, बिकॉज डेली अगर आप एक एक चैप्टर भी करते चले जाओगे तो जब आपकी छुट्टियां खत्म होगी और बच्चे वापस आएंगे स्कूल में तो आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट, बिकॉज अगर वो नहीं पढ़ रहे और आप डेली पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, बिकॉज हमारा तो एक मोटिव है कि हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट एक टाइम टेबल लेकर आए, पर जब तक आप उसे फॉलो नहीं करोगे तब तक आपके साथ में रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज टाइम टेबल को फॉलो करने से आता है रिजल्ट, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, और फटा वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके जगह रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।